प्रदेश में बेजुबानों के साथ क्रूरता के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। भोपाल के बाद अब इंदौर से भी ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक सिरफिरे ने श्वान की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना बाड़गंगा थाना क्षेत्र के टिगरिया बादशाह इलाके की है, जहां एक किसान को श्वान का भौंकना इतना नागवार गुजरा कि उसने उसे गोली मार दी। मामले का खुलासा तब हुआ जब बेजुबानों के लिए काम करने वाली संस्था पीपुल्स फॉर एनिमल ने बाड़गंगा थाने में शिकायत की। मामले में पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए आरोपी पंकज शुक्ला को गिरफ्तार कर उसकी लाइसेंसी बंदूक को जब्त कर लिया है। हमको शिकायत आई थी कि किसी ने टिगरिया में एक कुत्ते को गोली मार दी है। बाद में पता चला कि पंकज शुक्ला है, गब्बर भी नाम है उनका। तो उसके बाद में फिर बॉडी हम लोगों ने वहाँ से उठाई थी। आज उसका पीएम हुआ है तो उसमें छर्रे हैं ऐसा बोला है डॉक्टर ने। और साथ में कल हम लोगों ने पशु क्रूरता अधिनियम और IPC 428-429 में FIR दर्ज करवाई है उसके खिलाफ। ठीक। 26 तारीख की रात्रि में किसी पंकज शुक्ला नाम के व्यक्ति ने टिगरिया बादशाह में एक कुत्ते को गोली मार के उसकी हत्या कर दी। तो चूंकि पशु क्रूरता का मामला था तो उसको तत्काल संज्ञान में लिया गया। पंकज शुक्ला को गिरफ्तार भी किया गया। उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि ये भौंकता था और काटता था। तो हमने पूछा भी उससे कि किसी व्यक्ति को काटा हो तो बताएं, अगर लगता है कि किसी को काटा तो बताइए एक आध नाम। तो बता नहीं पाया।